फ्रांस की सियासत में बड़ा फेरबदल हुआ है। 34 साल के गैब्रियल अटाल फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री होंगे। सबसे खास बात ये कि गैब्रियल फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। यही नहीं, वो फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। बता दें कि गैब्रियल एलिजाबेथ बोर्न के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री बने हैं, जो शुरू से ही पीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे थे और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भी पहली पसंद थे। हाल के जनमत सर्वेक्षणों में फ्रांस के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से एक गैब्रियल ने रेडियो शो और संसद में सहजता से काम करने वाले एक समझदार मंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई है। यही नहीं, मैक्रों ने गैब्रियल को प्रधानमंत्री नियुक्त कर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का भी काम किया है। चलिए आपको बताते हैं कौन है गैब्रियल अटाल, जिन पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इतना भरोसा करते हैं। 1989 में जन्मे गैब्रियल करीब 2 साल तक फ्रांस सरकार के प्रवक्ता रहे हैं। उन्हें पहली बार 32 साल की उम्र में सरकार में शिक्षा और युवा मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनके पिता वकील और फिल्म निर्माता थे, जबकि माँ एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में काम करती थी। गैब्रियल घोषित तौर पर समलैंगिक है और स्टीफन सेजॉर्ने के साथ सिविल यूनियन में है। बता दें कि सिविल यूनियन फ्रांस में समलैंगिकता जोड़ों के लिए कानूनी व्यवस्था है। हाल ही में अटाल ने बतौर शिक्षा मंत्री तब सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली अबाया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। बहरहाल, गैब्रियल अटाल को प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों यूरोपीय संसद चुनावों से पहले अपने दूसरे जनादेश में नई जान फूंकना चाहते हैं। मैक्रों अब अटाल के साथ मिलकर सरकार में नई जान डाल सकते हैं। 2022 में पूर्ण बहुमत खोने के बाद मैक्रों को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो सरकार के साथ बेहतर तालमेल रखते हुए उनकी पार्टी को मजबूत करे।